नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन करता है। इस वर्ष जो तानसेन समारोह है, ये 98 नंबर का है, यानी 98 वर्ष लगातार तानसेन समारोह चल रहा है। 1924 में सबसे पहले ग्वालियर के शासक माधवराव सिंधिया ने एक उर्स के माध्यम से तानसेन समारोह की शुरुआत की थी। 18 फरवरी 1924 को तत्कालीन जयाजी प्रताप करके, एक जयाजी संदेश करके जो अखबार निकाला करते थे, उस अखबार में तानसेन समारोह की पूरी विधिवत चर्चा की गई और उसमें ये संभावना जताई गई कि जो आज तानसेन समारोह उर्स के रूप में हम कर रहे हैं, एक दिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा। और आज हम देख रहे हैं तानसेन समारोह ख्याति प्राप्त कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मध्य प्रदेश शासन प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय पुरस्कार तानसेन के नाम पर देते हैं। तानसेन समारोह ग्वालियर और बेहट में दोनों जगह होता है। इस बार इसको थोड़ा बृहद किया गया है और शिवपुरी और अन्य क्षेत्रों में भी इसके आयोजन किए गए हैं। लोकल, देशी और विदेशी कलाकारों को तानसेन समारोह के मंच से अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिलता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बेहट का बोर्ड है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 46 किलोमीटर दूर बेहट गांव स्थापित है। आज मैं आपको उस बेहट गांव की, जो संगीत के जितने लोग हैं, जो संगीत को एक धर्म के रूप में मानते हैं, उसके लिए वो पवित्र नगरी है, आज मैं उसी संगीत की पवित्र नगरी का आपको मुआयना कराऊंगा। इतिहास विमर्श में आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं बेहट में संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली का आनंद लेते हैं, आइए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ग्वालियर रेलवे स्टेशन से मोहनपुर होते हुए बेहट मार्ग पर आ चुके हैं। स्टेशन से बेहट की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है और अब हम जहां से आगे रन कर रहे हैं, यहां से बेहट लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और बेहट पहुंचकर हम आगे की चर्चा करते हैं। साथियों, देखो, बेहट जाते समय उससे 8 किलोमीटर पहले आपको मैं ये दिखाऊंगा, स्थानीय भाषा में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको आला उदल की तलवार कहते हैं। आला उदल क्षेत्रीय वीर लोग थे, उन्हें देवता का, लोकल देवता का दर्जा प्राप्त है, तो वो इसे आला उदल की तलवार कहते थे। कई बार भ्रांतियाँ हो जाती हैं, इसके आगे का भाग नहीं है और ये तलवार पकड़ने के काम आने की है, ये आती है, ये और ये दो भाग जो हैं पकड़ने के लिए। दूसरा ये है कि कुछ लोग इसको ढाल भी कहते हैं, आला उदल की ढाल। इस इलाके में यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक और ऐसा ही पत्थर मिलेगा आपको, तो ये आला उदल की तलवार के रूप में प्रसिद्ध है। सामान्य तौर पे इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं ये कहूँगा कि प्राचीन काल में जब हाथी वगैरह जो निकलते थे यहाँ से, तो इस प्रकार के पत्थर गड़े रहते होंगे और यहाँ उनकी साकल से उसको बांधने के ये पत्थर काम आते रहे होंगे। लेकिन जनश्रुति है, जनश्रुति में भी कुछ ना कुछ इतिहास होता है, तो हो सकता है इसमें कुछ इतिहास हो। लेकिन ये पत्थर को हम देखें तो मूलतः ये पत्थर नहीं है, ये कच्चा लोहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में कच्चा लोहा काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से मैं एक दूसरी तलवार पर भी आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब हम उस स्थान पर हैं जहाँ आला उदल की दूसरी तलवार इसी बेहट मार्ग पर है। 1 किलोमीटर पहले हमने आपको वो दिखाया था, ये भी उसी तरह का एक पूरा भाग है। इसे गौर से देखें, इसे लोग आला उदल की कटार कहते हैं। ये नीचे पहना भाग है, ऊपर से पकड़ने वाला भाग है। लोग इसको चूंकि सम्मान करते हैं, वो लोकल देवता थे, इसकी पूजा पाठ भी करते हैं जो मानने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी महत्वपूर्ण चीज सड़क किनारे डली हुई है, हमारी जो विरासत है वो विरासत बिखरी हुई है। तो इसको आप देखेंगे, ये इस प्रकार से पूरी तलवार है और ये भी जो मैंने भाव आपको बताया था, ये कच्चा लोहा है, क्योंकि पहले इस क्षेत्र में, ये मैं बजा के दिखाऊं, आप देखना, ये आवाज आपने सुनी होगी, ये लोहे की पहचान है, कच्चा लोहा है। पहले ये कच्चे लोहे के आसपास काफी पहाड़ थे और इनको शुद्ध करने के बाद उसके बाद लोहा बनता था। तो दोस्तों, अब हम बेहट में प्रवेश कर चुके हैं।
और जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये संगीत सम्राट तानसेन की एक मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है, जो अपने सितार पर राग को गाते हुए दिखाए गए हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के अभाव में यहाँ आसपास काफी गंदगी भी आपको देखने को मिलेगी। टूटी हुई जालियां भी आप देख सकते हैं, जो इसके बॉर्डर पे जालियां हैं वो टूटी हुई हैं और खुला हुआ स्थान है। हमें अपने इन लोकल धरोहरों को सहेजना होगा। और अब दोस्तों, हम तानसेन की उस रियाज स्थल जहां वो साधना करते थे देख रहे हैं। ये बहुत सकरा मार्ग है और मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है। ये ध्रुपद केंद्र उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा यहां स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, और इसी के माध्यम से यहां संगीत की एक बहुत बड़ी विरासत है। मध्य प्रदेश शासन इस स्थान को डेवलप कर रहा है। और अब यहाँ सामने आप गेट देख रहे हैं, ये हम संगीत सम्राट तानसेन के उस साधना स्थली पर पहुंच गए हैं। यही उनका जन्म स्थान था और ये मेन गेट बाद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया है। अब हम इसके अंदर चलेंगे और उनके उस पूरे प्रसंग को देखेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आए हैं यहाँ गेट पर, और यहाँ गेट पर आम जनता के लिए सुविधा के लिए ये बोर्ड बनाया गया, एक मैप है यहाँ। तो ये मुख्य द्वार से हम प्रवेश करेंगे, तो ये स्टेट हट है, यहाँ झिलमिल द्वार है, झिलमिल नदी है इधर, ये महादेव कुंड है, यहाँ प्राचीन चेतन गुफा है, और इसी से आगे आप जब आओगे तो यहाँ बलि की मजार है। झिलमिल उद्गम स्थल है जहाँ से झिलमिल नदी निकली है, और इधर ये रमणीक एक जंगल है पूरा, ये पूरा जंगल का, उधर सीता कुंड है, राम कुंड है, काली बाबा का मंदिर है, और ये झिलमिल घाट, ये झिलमिल नदी से इसके नज़दीक से निकलती है, और वो भारतदास हनुमान जी का मंदिर है उधर, ये झिलमिल नदी से होते हुए कमल सरोवर, अक्षत बावड़ी, ये जो है ये तानसेन की समाधि स्थल है, ये जो स्थल है, और ये वो प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी तुलना जो इटली का मंदिर है उस, वो इटली की जो मीनार है उससे की जाती है। तो इस तरीके से ये लगभग 500 वर्ष पुराना वृक्ष है, और यहाँ मैं आपको ये और बताऊंगा, अभी इस वृक्ष के पास भी यहाँ जो मधुमक्खियों का भी एक विशेष प्रभाव है, यदि आपने अशुद्धि कोई किसी प्रकार की रखी तो वो आप पे अटैक करती हैं, ये सच बात है। और ये पर्वत श्रृंखला है, ये ओपन रंगमंच है, जब तानसेन समारोह जब होता है तो इस ओपन रंगमंच पर तानसेन समारोह आयोजित की जाता है। और अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इस समाधि स्थल पर और क्या क्या चीज खास है। तो आप मेरे साथ आइए और बने रहिए इस वीडियो में पूरी तरीके से। हम ये भी देखेंगे कि ये जो इस पर गेट बनाया गया, तो इस पर इस तरह के जो सीन बनाए, तबला है, सारंगी है, ऊपर तुरही है, ऊपर बैठ के रियाज करती एक महिला का चित्र है, तो इस प्रकार से इसको पूरा संगीतमय व्यवस्था की गई है। मैं अपने कैमरामैन मित्र से कहूंगा थोड़ा ये भी दिखाएं कि ये तानसेन साधना स्थली जो है, झिलमिल स्टेट इसको कहते हैं वेहट में, इसमें ये जो प्रवेश द्वार बनाया गया है, किस समय किसने मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, वो यहाँ सामने इसको बताया गया है। तो आइए चलते हैं। ये दो गेट हैं, आमतौर पर ये बंद रहते हैं, और इसमें साइड के इस गेट से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। आम दिनों पर ये गेट खुला रहता है, और जब तानसेन समारोह होता है तो ये मेन गेट भी खोल दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कई जो संगीतकार हैं वो समाधि स्थल पर आते हैं। तानसेन समारोह पे अंतिम कार्यक्रम जो होता है वो समाधि स्थल पर ही होता है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ और क्या क्या खास है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बरबस हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आपने वृंदावन में निधिवन देखा होगा, और निधिवन के उन वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि ये रात्रि काल में श्री कृष्ण और राधा के साथ रास रचाते हैं, ये सब गोपियां और सखियां हैं। उसी प्रकार यदि हम यहाँ ध्यान दें, इसमें ये वृक्ष है, ये पाखर का वृक्ष है, और आप देखिए इसके कई सारे इसके मूवमेंट, ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ संगीत की साधना हो रही है और ये नाच कर रहा है, और इसकी जड़ें आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेंगी। ये वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष है, लगभग 500 वर्ष पुराना वृक्ष है, और इसकी ये जड़ें देखिए आप, ये वृक्ष कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जड़ें नई इसमें जान लाती हैं, और लगातार इसमें मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, लगभग 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ इस वृक्ष की शाखाओं ने जड़ का स्वरूप ले लिया है। तो इस प्रकार से कुछ प्रकृति के चमत्कार होते रहते हैं। दोस्तों अब हम चल रहे हैं एक प्राकृतिक गुफा के पास, और इसका रास्ता देखें आप, पहुँच मार्ग, जरा सावधानी से आपको जाना पड़ेगा, ये नेचुरल
स्रोत हैं पानी के, बेहट गांव के पास ये गुफा है। और अब इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं, एक पुरानी गढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। चूँकि बहुत पुराना है इसलिए काफ़ी कुछ खंडित हो गया है। और ये देखिए आप इसके दीवाल, बीच में ये एक लाइट हाउस जैसा एक स्थान है। लेकिन बड़े सावधानी से अपने को चलना है, थोड़े से ये देखें बहुत प्राचीन वृक्ष हैं यहाँ जो 500, 600 और 1000 वर्ष तक भी पुराने हैं। ये बेहट के इलाके का वो जंगली इलाका है बेहट क्षेत्र का, जहाँ अभी भी वन अच्छी अवस्था में है। ये देखिए आप, और बेहट क्षेत्र में हम देखें तो शिवलिंग का स्वरूप एक विशेष प्रकार का मिलता है। ये भी एक शिवलिंग है और यहाँ भी पूजा होती है। ये चौकोर शिवलिंग है जो प्रायः गोल दिखाई देते हैं, ये चौकोर है। और यहाँ इस प्रकार की नेचुरल गुफाएं हैं जो किसी समय तपस्थली रही होंगी। इसमें अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, मैं आपको बाहर से ही ये दिखाना चाहूँगा। ये अंदर यहाँ जो तपस्या करने वाले साधु संत थे, ऋषि थे, वो यहाँ तपश्चर्या करते थे। तो ये इसी प्रकार का एक तपस्थल है। और अब लेकिन पूरी तरीके से यानी छिन्न भिन्न है। आप देखिए एक यहाँ भी गुफा का अंदर की ओर से रास्ता जाता है, तो ये इस प्रकार का है। ये देखिए आप, ये भी एक छोटा सा स्थान बेहट का, बहुत उजड़ा हुआ सा दिखाएगा क्योंकि यहाँ रख रखाव की एक समस्या है, सुरक्षा की भी थोड़ी सी समस्या है। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ अद्भुत है, अपार है। और आप पूरे परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं, इसको निहार सकते हैं। ये जो सुंदर दृश्य है ये हमें शहरों में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक अद्भुत इसका आनंद है। ऐसे प्राकृतिक स्रोतों को हम ही लोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हमें अपने प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित भी करना है। तो साथियों अब हम उस मुख्य स्थल पर आ गए हैं जहां संगीत सम्राट तानसेन अपने बचपन में साधना किया करते थे, और यही वो मंदिर है जहां उनके माता पिता भी साधना किया करते थे। अब मैं इस मंदिर में आपको ले चलता हूं। पहले आप इस मंदिर को देखिए, ये जो झुका हुआ मंदिर है, इस मंदिर की जो स्थिति है काफ़ी झुका हुआ है ये मंदिर। और ऐसा ही मंदिर आपको काशी में मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच लगभग 400 वर्ष पुराना रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी दिखाई देगा, जो एक ओर झुका हुआ है और यह पीसा की जो मीनार है उससे ज़्यादा झुका हुआ है। जो काशी वाला मंदिर है वो लगभग 40 मीटर ऊंचा है और 9 डिग्री तक झुका हुआ है। और जो पीसा का मंदिर है, वो मीनार है, वो 54 मीटर ऊंची जरूर है लेकिन 4 डिग्री ही झुकी है। और इसी तरह पीसा की मीनार की तरह तानसेन के जो पैतृक गांव बेहट है, इसका जो शिव मंदिर है वह भी एक ओर झुका हुआ है। यह वर्षों से इसी प्रकार झुकी हुई अवस्था में है। इसी मंदिर पर तानसेन और उनके माता पिता जो हैं वो साधना करते थे। मैंने आपको बताया कि यहाँ थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता है जो जरा सी भनक लगने पर बाहर आ जाती है। अब हम देखें इस मंदिर में, ये शिव मंदिर है और इसके शिवलिंग को देखिए, एक विशेष प्रकार का शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। ये चौकोर आकार में है। सामान्य तौर पर शिवलिंग जो है एक गुम्बद या गोल पिंड के आकार का होता है, लेकिन ये यहाँ चौकोर आकार का है। ये मंदिर भी लगभग 500-600 वर्ष पुराना है और यहाँ बैठ के ही वो साधना किया करते थे। इस मंदिर की विशेषता यह है कि एक ओर ये झुका हुआ है और ये वर्षों से ऐसा ही है। ये प्राचीन गणेश मंदिर है और यहाँ इस मंदिर परिसर में गणेश जी की ये प्रतिमा यहाँ स्थापित है। एक प्रकार से जो शिव पंचायत होती है उसी तरह शिव पंचायत के एक जो मुख्य देवता हैं वो गणेश भी हैं। तो ये गणेश शिव मंदिर के बगल में ही हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जो माता पार्वती हैं उनकी प्रतिमा सामने की ओर है। अब हम आपको
हनुमान जी की मंदिर की ओर ले चलेंगे। और ये हनुमान जी का जो मंदिर है ये मकरंद ध्वज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो हनुमान जी के पुत्र थे। इन दोनों मंदिरों की बनावट लगभग एक सी है, तो अगर कालखंड की दृष्टि से देखा जाए तो ये लगभग उतना ही पुराना है। और इस शिवलिंग के साथ आपको नंदी भी दिखाई दे रहे हैं, और ये आप अंदर आके देखें, ये पूरा एक ऐतिहासिक और प्राचीन इसका महत्व है। नंदी ये सब के साथ ये शंकर जी का एक मंदिर है, ये भी अति प्राचीन है। और बाहर में हम निकल के आएंगे तो ये मकर ध्वज की प्रतिमा है, जो हनुमान जी के पुत्र कहलाए जाते थे, और बगल में गणेश जी की प्रतिमा है। ये भी लगभग उसी के समकालीन मंदिर है। एक बड़ा मंदिर परिसर है जिसमें इस प्रकार की मूर्तियां बनी हुई है। नजदीक आके हम देखेंगे तो प्रत्येक मंदिर पर जिस प्रकार से तुलसी का एक तुलसाना मिलता है वही है, और वो झिलमिल नदी के घाट हम देख सकते हैं इस मंदिर से। ये झिलमिल नदी, अब इसका स्वरूप थोड़ा सा खराब हो रहा है रखरखाव के अभाव में, संरक्षण के अभाव में। और यहाँ आसपास के ग्रामीण लोग कमल और सिंघाड़े की खेती करते हैं, तो इस तरह से पानी को रोक के एक तरह से तालाब टाइप का बनाया है, जो उस नदी के बहाव से पानी को इकट्ठा किया गया है। तो जब मेले लगते हैं यहाँ, जब आयोजन होते हैं खासतौर पर शिवरात्रि और ऐसे पर्वों पर, तब यहाँ लोग इस नदी के पानी का उपयोग भी करते हैं स्वच्छता के लिए, नहाने धोने के लिए। तो दोस्तों, तानसेन जी की जो साधना स्थली है, इस साधना स्थली की देख रेख करने वाले, इन मंदिरों की व्यवस्था करने वाले पंडित जी श्री संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। और अब मैं ये चाहूँगा कि वे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दें कि ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या इसकी विशेषता है और इसका इतिहास क्या है। तो पंडित जी, आप संक्षेप में इसके बारे में जानकारी बताइए। पहले तो हम सबसे ज़्यादा पहले सर पे ये है कि भोले बाबा की जयकारा लगाएंगे। जी, बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। यहाँ की सबसे बड़ी मेहनता ये है कि ये जो जगह है जी, एक बहुत ही सिद्धांतिक जगह है। सिद्धांतिक जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ नौ सिद्धों का वास है। जी, नौ सिद्ध आप जानते हो, नौ सिद्ध अपन उन्हें कहते हैं जो पहले जो साधु हुआ करते थे, वो तप करते थे, और तप करने के बाद में स्वयं भगवान से जब भेंट होती थी उसके बाद में वो समाधियां ले लेते थे जिंदा में। उन्हें आज अपन सिद्ध बोलते हैं। जिस तरह से आज अपन बामी की जो पूजा करते हैं नाग पंचमी के दिन, वो एक उन्हीं का स्वरूप है, क्योंकि जिस जगह पर वो बैठते थे उस जगह पर माटियों के दीमक बन जाया करते थे, तो उसी में सांप अपना घर बना लेते थे, तो उसे आज अपन बामी के नाम से जानते हैं। जी, लेकिन वो उन्हीं का एक रूप है। तो जब यहाँ उनमें से नौ सिद्धों में से एक सिद्ध थे झिलमिलेश्वर गुरु जी, झिलमिल नदी जिनके जी बिल्कुल जी। ये जो नदी जो है ये उन्हीं के नाम से है, ये जो मंदिर है ये भी उन्हीं के ही नाम से है, झिलमिल के नाम से। झिलमिल के नाम, हाँ, आज जाना जाता है ये मंदिर अपना जो इतिहासों में भी है, वो इतिहासों में झिलमिल के ही नाम से। ये जो हम मंदिर देख रहे हैं शिव मंदिर जी, ये झुका हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी, इसकी भी एक कहानी है जी। यहाँ जो तानसेन जी के माता पिता थे जिनका नाम था मकरंद पांडे जी, तो उन पे पहले कोई संतान नहीं थी जी, तो वो यहाँ शिवलिंग पे जाते थे जी, और यहाँ दूध और जल चढ़ाते थे जी, और रोज उनसे विनय करते थे कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति जी। कई वर्षों तक उन्होंने चढ़ाया, तब जाके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था राम तनु पांडे। पांडे जी, आज उन्हें एक रूप से और जाना जाता था, जैसे माता पिता बचपन में नाम रख देते हैं तो उनका तनुआ भी नाम था जी, तो तनुआ भी कहते थे, निकनेम था। हाँ जी, तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने शंकर जी पे आना बंद कर दिया, ना तो उस बच्चे को लेके आए और ना ही वो स्वयं आए जी। वो बात कुछ दिनों तक बनी रही, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ बोलने की स्थिति में पहुंचा तो आऊं करने लगी, गले से गूंगे हो गए। हाँ, तो वो अपने बड़बड़ा के आए, आके यहाँ शंकर जी के मंदिर में आके रोने लगे जी, मेरे भगवान मुझे एक पुत्र दिया, वो भी गूंगा पैदा दिया जी। तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पूजा करते थे जी, उनसे उन्होंने कहा, बोले महाराज मेरे एक पुत्र हुआ, वो भी गूंगा पैदा हुआ, तो उन्होंने उनसे कहा बच्चे को आपको एक बार यहाँ लेके आना था, क्योंकि स्वयं शंकर जी का दिया हुआ वरदान जी। चलो उस बच्चे को लेके नहीं आते, आप तो समझदार थे, आपको आना था। बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, तो बोले अब गलती होगी, अब तो बोले भोले बाबा जाने को, बोले तू जान, मैंने इसमें क्या कर सकता हूँ जी। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे आगे चल के मेरा कोई उद्धार हो जाए। तो बोले रास्ता मैं बता देता हूँ, करना तेरा काम है। बोले जैसे दूध और जल तू चढ़ाता था वैसे ही इस बच्चे के हाथ से दूध और जल चढ़वा, जब भोले बाबा ने तुझे बच्चा दिया है तो इसकी आवाज भी लौटा रहेगी। बिल्कुल।
तो उन्होंने उस बच्चे के हाथ से दूध और जल चालू करवा दिया। ऐसे ही उनके पास एक बकरी थी इंदल करके, ये कभी ब्याती नहीं है, बारह मासी दूध देती है। अच्छा, तो उस बकरी का वो शंकर जी पे दूध चढ़ाते पांडे जी। हाँ, और वो भी किसी पात्र से नहीं चढ़ाते थे, स्वयं बकरी को खड़ी करके और सेठ से ही चढ़ाते थे। तो कुछ समय तक उन्होंने चढ़ाया, फिर उसके बाद में उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वो अकेले रह गए। तो वो भी अपने इसी जंगलों में गाय और बकरियां चराते थे और जब लौट के घर जाया करते थे तो दूध चढ़ा के तब घर जाया करते थे। तो वर्षा होने लगी तो उनकी गाय और बकरियां घर के लिए भाग पड़ी, पीछे पीछे वो भी चले गए। उनको भूल गया ध्यान कि मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना है। जब घर जाके पहुंचे, उन्होंने सानी पत्ता किया अपने चौकों, जब खाने पे शाम के टाइम बैठे तब जाके उन्हें याद आया, बोले आज तो मैंने शंकर जी पे दूध ही नहीं चढ़ाया। तो वो उसी समय अपनी थाली को छोड़ के और उस बकरी को, छोटा सा नाला मिला होगा बगल में वहाँ पे गांव के, देखा था। वो बहुत करना चलता था, तो गांव के ने काफी समझाया, बोले बह जाएगा, जी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं मैं तो नियम माने नियम। तो उसने अपने कंधे पर जो बकरी रखी और उसमें नाले में निकल पड़े, आके उन्होंने शंकर जी पे बकरी खड़ी की और जैसी पहली जो सेट मारी, जैसी आवाज आई, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं बड़ा प्रसन्न। तो वो मठी में से निकल के ये जो चबूतरा बना हुआ है जी, इस चबूतरे पे आके खड़े हो गए और चारों लंग देखने लगे, क्योंकि गले से भूंगे थे बोल तो पाते ही नहीं। तो वो चारों लंग को देखने लगे कि ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। तो उन्होंने घूम के जब देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने गले की तरफ इशारा किया। जैसा ही गले की तरफ इशारा किया तो शंकर जी ने कहा, बोले जितनी जोर से आवाज़ लगाई जाए उतनी जोर से आवाज़ लगा। तो जैसी तो जैसे ही उन्होंने एकदम आवाज लगाई, आवाज के ही साथ में एक बिजली सी ऐसी चमकी, जैसे बिजली गड़गड़ाहट सी होती है, ऐसी गड़गड़ाहट सी हुई और ये पूरा मंदिर अपना उस साइड को झुक गया। अच्छा अच्छा, मंदिर के साथ साथ जो जो चबूतरे पर देख पर खड़े थे वो पूरा खिल खिल हो गया था, फट गया था जी, जी। और जो शिवलिंग जो उसमें बनी हुई है, आपने प्रतिमा देव जो देखी होगी, वो भी उसी साइड को झुक गई जी। तो जब ये झुकी तो जैसे ही उनकी आवाज जो आई तो उन्होंने कहा, बोले बाबा ये क्या हुआ। तो शंकर जी ने कहा, ये मेरा अस्तित्व, अगर मैं अपना अस्तित्व यहाँ नहीं छोड़ूंगा तो जिस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ है वो तस्क कैसे पूरा होगा। बोले वो कैसे। बोले बाबा, बोले वो भी बताऊंगा, अभी ये बता तेरी आवाज आ गई, अब मांग क्या मांगना चाहता है। उन्होंने संगीत को मांगा। वेरी गुड। अब कई कहते हैं कि बोले संगीत क्यों मांगा। अब संगीत को उन्होंने इसलिए मांगा था क्योंकि वो गाय और बकरियां जो जंगल में चराते थे तो वो गुनगुनाते थे, तो उनके अंदर यही भावना भरी थी, अगर मेरा सुर जो निकले वो संगीत के द्वारा ही निकले, नहीं तो मेरा पूरा जीवन बेकार है। यानी वो बात सही होती है कि मूक होए बाचाल और पंग चढ़े गिरवर गहन। हाँ। तो वो वाली बात यहाँ शिव मंदिर पर आकर तानसेन जी की पूरी हुई और आगे चलकर वो इतने बड़े संगीत सम्राट हुए कि वो अपने स्वरों के माध्यम से बरसात कर देते थे, अपने स्वरों के माध्यम से दीपक प्रज्वलित कर देते थे। वृंदावन में ऐसा एक मंदिर है जो तानसेन की राग के साथ ही दीप प्रज्वलित कर दिया करता था। तो तानसेन की समाधि से आज मैं आपसे विदा लेता हूं। पंडित शर्मा जी, संजीव शर्मा जी से भी उनको ये इतिहास बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे विश्वास है कि शहर के अन्य लोग भी जो ग्वालियर के आसपास हैं वे भी अपने ऐसे ऐतिहासिक धरोहर, ऐसी विरासतों को देखेंगे, क्योंकि जब तक हम ऐसी विरासतों पर नहीं जाएंगे तब तक इन विरासतों का जो उद्धार है वो नहीं होगा। तो ये सब बने रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक इतिहास सामने आए, तो इसके लिए आप इस प्रकार के जो लोकल आपके क्षेत्र में, जैसे चाहे वो गढ़ी है, मंदिर है, किला है, ऐसे स्थानों को आप देखते रहें, तो यही इस वीडियो को आप तक पहुँचाने का एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों, संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली से हम आज आपके लिए ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपने ये सब देखा, जो यहाँ के पुजारी हैं, व्यवस्थापक हैं, उनकी बात भी सुनी, लेकिन एक चीज़ है जो हमें खटकती है। ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ शासन का प्रतिवर्ष तानसेन समारोह जो होता है उसका समापन इसी स्थल पे होता है। ये चारों तरफ बाउंड्री आप देखिए, इस पर जो डिजाइन पेंटिंग सब की शासन ने किसी समय की थी, लेकिन बाद में इस पर कुछ नहीं, इस पर ध्यान दिया तो इसकी पेंटिंग भी दुब गई है। ये बाद में एक महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस पे कलई से पुताई कर दी है, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा है वो कहीं ना कहीं खो गई है। परिसर में साफ सफाई नहीं है, आप देखिए। ये यही नहीं पता कि ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत है या पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है या पर्यटन विभाग के अंतर्गत है। नतीजा ये है कि इसका किसी भी प्रकार का रखरखाव नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सुविधा नहीं है।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि कई सारी जो समस्याएं वो यहाँ हैं। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा कि देखिए, प्राचीन जब मंदिर के लिए पानी लेते थे कुएं से नीचे, तो प्राचीन वो घिर्री लगाने के लिए एक स्थान है और वहां से ही वो नीचे स्ट्रक्चर भी आपको लगभग 600 वर्ष पुराना दिखाई देगा। ऐसे स्थानों के रख रखाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, पेड़ उग रहे हैं, कल को वो टूट जाएगा, झड़ जाएगा, तो ऐसी समस्याएं इस स्थान पर हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूं वो यही है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो इसके प्रति उदासीन हैं। हम तानसेन समारोह के समय एक दिन आके इतिश्री कर लेते हैं कि हमने तानसेन जी को श्रद्धांजलि दे दी या ऐसे समाधि स्थल पर जाकर हमने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि जनता जागरूक होगी और अपने ऐसी विरासत स्थलों को सहेजने के लिए तैयार होगी, तो मैं ये मानता हूँ कि शासन भी अपने स्तर पर इन धरोहरों के लिए काम करने के लिए मजबूर होगा। तो आज के लिए इतिहास विमर्श में इतना ही। यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इतिहास विमर्श से जुड़ें, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको इतिहास विमर्श में समय समय पर इस तरह के जो नज़दीकी पर्यटन क्षेत्र हैं, जो ग्वालियर चंबल संभाग से संबंधित हैं, जो अबूझे हैं, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, ऐसे लोकल के लिए वोकल हम बनें और ऐसे इतिहास को सामने लाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी बच्चों के लिए स्वरोजगार कैसे तैयार हो, कौशल विकास कैसे हो, इस तरह की व्यवस्थाओं को रखा है। तो हम ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को, ऐसे पर्यटन स्थलों को, ऐसी धरोहरों को प्रकाशित करें और अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी तलाशें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।